सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू एस के गेमर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दिवाली इवेंट में आपके लिए बेस्ट गन कौन से रहने वाली है। समझ रहे हो? तो यार, मेरे कुछ दोस्त मेरे को इंस्टाग्राम से मेरे बात करते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि इसके भाई यार, हमारे लिए बेस्ट गन कौन सी होगी? एक फ्री में दी जा रही, तो अगर हम अच्छी नई चॉइस करेंगे तो यार काफ़ी अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो आप हमें बताएं कि बेस्ट गन जो है हमारे लिए कौन सी होगी, हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी गन्स जो है, आपको चारों गनों का रेट ऑफ फायर और डैमेज वगैरह मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ। तो यार, आपने भी कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। गाइस, तो आप सबको पता होगा कि दिवाली इवेंट पे हमें दी जा रही है फ्री स्किन्स और फ्री इमोट। तो फर्स्ट आपको AK-47, MP40, स्कार, उसी के साथ साथ M4A1 की स्किन मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो इसमें आपने ये दिवाली कंडल के मिशंस आपने पूरे करने होते हैं और आपने ये कलेक्ट करनी होती है। जब आपके 30 पूरे हो जाएंगे तो आपको फ्री इनमें से कोई भी एक गन चॉइस करनी मिलेगी, जस्ट एक मिलेगी। अब अगर बात करें आप बेस्ट चॉइस इनमें से बेस्ट कौन से रहेगी आपके लिए, तो मेरे पास बाकी सब अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो चलो हम यहाँ से अब चल लेते हैं अपने कलेक्शन में, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पे हम आते हैं AK-47 के सेक्शन में। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं AK-47 तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसमें आपको प्लस डबल डैमेज मिलेगा, उसके साथ साथ आपकी रेंज जो है इसमें आपको प्लस मिलेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन वेट करें, मैं आपको बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ स्कारल की बात करें तो भाई स्कारल भी आपको प्लस डैमेज, उसी के साथ साथ प्लस एक्यूरेसी में देखने को मिलेगी, रेंज इसकी माइनस है। तो अभी आप बात कर लेते हैं इसकी डैमेज वगैरह की। तो इसका डैमेज कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर बात करें अपने M4A1 की, तो भाई ये सबसे बेस्ट रहने वाली है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ये रहेगी। क्यों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई इसमें आपको डैमेज प्लस उसी के साथ साथ रेट ऑफ फायर मिलेगा। तो चलो हम चल लेते हैं ट्रेनिंग मोड की जानिब, और वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने ट्रेनिंग मूड में, और यहाँ से कोई भी दो गन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्कारल और AK-47। तो दो स्कारल आ गई मेरे पास, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, एक AK-47 इनमें से ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मेरे पास आ चुकी है और दोनों की स्किन्स मेरे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने स्कारल की। तो भाई स्कारल जो है आपके बॉडी पे डैमेज देगा 32 का, ठीक है, 32 का डैमेज देगा आपको बॉडी पे, और हेडशॉट जो इसका रेट है 176 है। तो भाई 176 का इसका हेडशॉट है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ओपी है। लेकिन ड्रेक के लिए ये आपके काम नहीं आएगी, ड्रेक के लिए आपको चाहिए होता है रेट ऑफ फायर। तो भाई रेट ऑफ फायर इसमें नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इसको आप छोड़ दें। अगर AK-47 की बात करें तो AK-47 आपके बॉडी पे देगी डैमेज कितना है, 43 का ये डैमेज देगी आपकी बॉडी पे। अगर हेडशॉट की बात करें तो हेडशॉट जो है इसका बहुत ही ओपी और बहुत ही मस्त रहने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये 200 प्लस आपको देता है हेडशॉट। तो भाई हेडशॉट रेट की बात करें तो इसका हेडशॉट रेट जो है बहुत ही मस्त है, लेकिन इसको भी आप लोग छोड़ दें, ये भी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि इस आपको इसमें भी आपको रेट ऑफ फायर प्लस नहीं मिलेगा। गई तो अब बारी आती है अपने M4A1 की। तो भाई M4A1 आपको 30 का देती है डैमेज, लेकिन भाई इसकी बेस्ट बात जो है इसका रेट ऑफ फायर। तो भाई आजकल आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई आजकल ड्रेक की कोशिश करता है और ड्रेक हर कोई ड्रेक मारना चाहता है। तो भाई इसके लिए आपका रेट ऑफ फायर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेस्ट आई थिंक आपके लिए रहेगी, जो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानते हो तो भाई आप ये M4A1 सेलेक्ट करना। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए। मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप कोशिश करें कि आप M4A1 की स्किन निकाल लें, ठीक हो गया। तो ये मेरी बात थी, मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी मर्जी, आपने कौन सी निकालनी है, अगर आपने कौन सी निकालनी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने ये निकालनी है M4A1 या कोई और गन आपने सेलेक्ट करनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब अगर इमोट की बात करें तो भाई इसमें आपको ये वाला एक इमोट देखने को मिलेगा,
मून फ्लिप वाला तो ऑलरेडी ये मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है मून फ्लिप वाला इमोट। अगर बात करें सेकेंड इमोट की, तो भाई सेकेंड इमोट भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि सेकेंड इमोट कौन सा रहने वाला है, सेकेंड इमोट आपको कौन सा मिलेगा। सेकेंड इमोट में भी आई थिंक मेरे पास नहीं है, तो मैं तो ये सेकेंड वाला ही निकालूंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप वही निकालना जो आपके पास नहीं है। इमोट के लिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक के बाकी गन्स के लिए बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरी बात मानते हो तो भाई M4A1 ज़रूर निकालना। ठीक हो गया, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे एक वीडियो मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। बाय, लव यू।